हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एडुवर्ल्ड फैमिली से हमारी तरफ से आप सभी को बहुत ही शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे हम एक शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को समझेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, राइट? अभी आप देख सकते हैं इधर बैकग्राउंड में एक इमेज, यहाँ पे ये अर्थ है और यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है, राइट? आप इससे कुछ गेस तो कर ही लिए होंगे अभी तक, राइट? यहाँ पे एक स्पीड लिखी हुई है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये एंगुलर वेलोसिटी है इस अर्थ की, 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जब आप अर्थ पे रेस्ट पे होते हैं, इसी एंगुलर वेलोसिटी से आप भी रोटेट कर रहे हैं अर्थ के साथ साथ अबाउट द एक्सिस ऑफ अर्थ, राइट? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपको अर्थ के किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे बी पॉइंट तक जाना हो, राइट, और इसकी डिस्टेंस 1670 किलोमीटर हो, तो इस हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर उठता है, राइट, और अर्थ इस स्पीड से रोटेट कर रही है, तो 1 घंटे में ये डिस्टेंस आपको पूरी कर लेनी चाहिए बिना कुछ कोई मूवमेंट किए, बिना कोई फ्यूल खर्च किए, राइट, कम समय में। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्या आप लोग जानते हैं? ऐसा इसलिए नहीं होता, एक टर्म है इनर्शिया, राइट? इनर्शिया वो स्टेट होती है कि जो भी कोई बॉडी किसी एक स्टेट में है, चाहे वो रेस्ट हो या मोशन, वो उसी स्टेट में रहना चाहती है, राइट? यानी कि जब बॉडी एक रेस्ट पे थी अर्थ पे, राइट, वो एक्चुअली में रेस्ट पे नहीं थी, ये अर्थ के साथ इस स्पीड से ही रोटेट कर रही थी, राइट? तो जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर उठता है, वो अभी भी इनर्शिया में है और वो उसी स्पीड से अभी भी रोटेट करता है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस एंड ड्रैग फोर्सेस एंड अदर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, तो हवा में भी वो बॉडी उसी स्पीड से रोटेट कर रही है। फिर क्या होगा, ये पॉइंट जैसे जैसे इसके पास में आएगा, राइट, अर्थ की रोटेशन की वजह से, वैसे वैसे ही ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ से उतना ही दूर जाएगा क्योंकि तो इनर्शिया की वजह से वो उसी स्पीड से रोटेट कर रहा है, राइट? तो हमें हर पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी सेम है, तो यानी कि आपको यहां से यहां पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा, उतना ही टाइम लेना पड़ेगा। ये वैलिड है चाहे आप इस तरफ देख जाए, चाहे इस तरफ जाए, दोनों कंडीशन में सेम कॉन्सेप्ट है। इनर्शिया की वजह से आपकी डिस्टेंस सेम रहेगी, आपको वर्क डन सेम करना पड़ेगा अगर एयर रेजिस्टेंस और विंड डायरेक्शंस को इग्नोर कर दिया जाए तो, राइट? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। बचपन में इस तरह के काफी डाउट्स आते थे मन में, तो आज की डेट में हम लोग के पास में इंटरनेट के माध्यम से बहुत अच्छी चीजें मिली हैं। हम अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट करके, उसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, उन पर डिबेट कर सकते हैं, उनको और अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करना सही नहीं है, उसकी इन डेप्थ नॉलेज होने के लिए आपको उसके अपोज में भी सोचना होगा। ऐसा क्यों, कैसे, किस लिए, क्यों नहीं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको होने चाहिए, तभी आपका ओवरऑल ब्रेन ग्रो करेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा और आप कॉम्पिटिशन्स में अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।